आज झांसी में पुलिस विभाग की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीमती सुधा सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, झांसी में सीओ सिटी एसपी ग्रामीण का पुराना एक्सपीरियंस रहा है। झांसी एक शांत क्षेत्र है, महिला सुरक्षा को लेकर सशक्त कदम उठाए जाएंगे एवं ट्रैफिक व्यवस्था में आरटीओ के साथ मिलकर और अच्छा बनाएंगे। कानून व्यवस्था के साथ कोई भी समझौता ना हो, लाइन ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। भूमाफिया से जमीन को मुक्त करवा दिया गया, भूस्वामियों को दिया जाएगा, आप सभी का उचित सहयोग लिया जाएगा। नहीं, मैं यहाँ कुछ दिन सीओ सिटी रही हूँ और फिर एसपी रूरल के पद पे भी थोड़े दिन कार्यरत रही हूँ, तो बहुत झांसी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है हम लोगों का। झांसी के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ जो है क्राइम भी तुलनात्मक रूप से कम है। तो और अब मैं यहाँ पर एसएसपी के पद पर मुझे भेजा गया है, जिसमें मैंने कार्यभार कल ग्रहण कर लिया है। मेरी पूरी जो प्रयास है वो यही रहेगा कि यहाँ पे जो है जितने दिन मैं तैनात हूँ उतने में अपराध पे नियंत्रण रहे और लॉ एंड ऑर्डर जिले का मेंटेन रहे, एक अच्छा माहौल रहे, और इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। प्राथमिकताएं जो पुलिस की होती है, जो हमेशा होती है, वही प्राथमिकताएं मेरी होंगी। जैसा मैंने बताया कि क्राइम अपराध पे नियंत्रण रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही रहे और महिलाओं की सुरक्षा सही हो रहे, इसी का मुझे हमारा प्रयास रहेगा और इसमें हम लोग कार्यरत रहेंगे साथ सभी मिलकर। हाँ, मैंने कहा यहाँ ट्रैफिक की स्पेशली सिटी एरिया में थोड़ी समस्या है और वाहनों की संख्या पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा हुई है, जिसको और सभी वाहन रोड पर रहते हैं जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या होती है। तो हम लोग इसका एक कॉम्पोजिट रूप से सभी विभाग मिल के डीएम साहब के साथ सहयोग के साथ एक पूरा कमेटी और इसकी एक टीम बनाकर एक बार हम लोग इसका पूरा विचार करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाई जा सकती है। नो एंट्री का कड़ाई से पालन नहीं होता है, डर बना। हाँ बिल्कुल, नो एंट्री का पालन तो कराना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। तो जैसा आपने अगर ये प्रश्न उठाया तो इसको मैं देखूंगी कि नो एंट्री का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा और भविष्य में इसका पूरा पालन कराया जाए, इसके लिए मैं भूमि कब्जे से जुड़े कई मामले यहाँ पे आते हैं, इसके अलावा बनाए गए, लेकिन अभी भी मामले उठ नहीं रहे हैं, कई बड़े माफिया यहाँ भी एक्टिव हैं, उनके लिए क्या अलग से कुछ टीम बनाई जाएगी, क्या कर रहे हैं? मैं देख लूँ कि यहाँ किस तरह का सेल बनाया गया है, अभी मैंने उसको पूरा देखा नहीं है। और इसमें चूँकि भूमि विवाद जो है वो हमेशा जिलाधिकारी के सहयोग के साथ ही उसका निस्तारण होता है, तो प्रॉपर निस्तारण हो जाए और किसी तरह का कोई भू माफिया या किसी जो सही जमीन है उसमें किसी का दूसरे का कब्जा ना हो, इसके लिए हम लोगों का प्रयास रहेगा। इसके लिए मैं इसको देख लूँ पूरा और फिर मैं इस पर कोई एक जो प्रोग्राम है उसको देख लूँगी, फिर करके चौकआउट करें।